हेलो फ्रेंड्स, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मैथ्स क्लासेस, जो आपको सभी कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। ए और बी है, उसकी रेशो है 3:2, ठीक है। 15 साल बाद की रेशो दी है इसने, 15 साल बाद उनकी रेशो इतनी हो जाएगी। और एक है 4:1, ये है 5 साल बाद की, ठीक है। ये 5 साल पहले रेशो इतनी थी, 15 साल बाद इतनी हो जाएगी। परसेंटेज पूछी है, परसेंटेज का डिफरेंस पूछा है इन्होंने, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिफरेंस 3 यहां पर आ जाएगा, 1, ये 3, ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1। अब देखिए, यहां से यूनिट चला हम 5, ठीक है, 5 यूनिट चले, ये हमेशा ऐड करना है। 5 यूनिट किसके इक्वल है, 20 के, 1 किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के। अब इसने हमसे पूछा है डिफरेंस, अब चाहे आप इसका डिफरेंस ले लीजिए, चाहे आप इसका डिफरेंस ले लीजिए, है तो उसी की एज। और एज का डिफरेंस अगर पूछा है, ये तो है नहीं कि हम इसमें 10 ऐड करेंगे फिर 10 ऐड माइनस करेंगे, एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा। सपोज आप और आपके फादर है, आप चाहे 10 साल बाद उनसे अपनी एज मेजर करेंगे तब भी आपका डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे 10 साल पहले आप मेजर कर लेते तब भी आपका डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, अगर डिफरेंस पूछा है तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है और उसमें प्लस करने की जरूरत है, बस डायरेक्ट डिफरेंस देखिए। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 3 का, यह जाएगा 4 × 3 = 12, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए कितना इजी है, अगर उसमें अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि उनकी परसेंटेज बताइए, तब आप अगर यह आया 4 यूनिट आता, ठीक है। परसेंटेज अगर उसमें पूछता, लाइए मैं बी सी में ही चेंज कर देता हूं, ये तो आपका आंसर आ गया 12 डिफरेंस। अब अगर इसी में वो कह देता कि इसकी परसेंटेज बताइए, तो ये 4 एक यूनिट है, ये आ जाता 9 की मल्टीप्लाई करते 9 से, ये आ जाता 36, और इसकी करते 6 से, ये आ जाता 24, ठीक है। अब ये 24 कौन सा है, 15 साल बाद का, ठीक है। 26 और 24 15 साल बाद वाली रेशो में कराया, हम इसमें से 15-15 माइनस करते थे, ठीक है। 15 इसमें से माइनस करते हैं, 15 इसमें से माइनस करते हैं, तब आंसर आता, ठीक है। आप करके देख लेना आपका आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसने कहा है अ फादर एज इज 4 टाइम्स, ठीक है। एक फादर की एज 4 टाइम्स है, एज मच एज द सम ऑफ देयर ही 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चों की सम के इक्वल, ठीक है। उसके जितने उसके 3 बच्चे हैं और उन तीनों की एज का जो सम है वो उसके 4 टाइम है फादर के, ठीक है। बट 6 ईयर हैंस, लेकिन 6 साल बाद द एज विल बी डबल, ठीक है। तो जो एज है वो उसके डबल है, ट्वाइस है, मीन्स उसके सम ऑफ देयर एज, ठीक है, उनकी सम के एज के इक्वल, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फादर, उसने फादर की परसेंटेज पूछी है। क्वेश्चन को समझिए, उसने कहा है एक फादर है, उसके 3 बच्चे हैं, उसके 3 बच्चों की जो सम है ना, ठीक है, जो एज का सम है उसकी 3 बच्चों की, वो 4 टाइम्स है, ठीक है। उसका फादर 4 टाइम्स है उनके, और उसने कहा है कि 6 साल बाद वो हो जाएगा उसके डबल, ठीक है। क्वेश्चन याद है, समझ में आ गया, फादर की परसेंटेज पूछी है उसने कितनी है। आइए करते हैं, देखिए आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल ईजी कर देंगे इसको आपके लिए। देखिए अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उसके 3 चिल्ड्रन है, C1, C2, C3, आप इन सबको इनकी एज का सम आप 1 मान लो, ठीक है, मान लिया आपने, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा ये, अगर आ गया ना रिपीट होगा तो एज इट इज देंगे। देखिए सबसे पहले, फिर इसने कहा ये है फादर और ये है चिल्ड्रन, ठीक है। फादर 4 टाइम्स है, किसके, सम ऑफ 3 चिल्ड्रन, ये तो सम हो गया, और किसके, 3 चिल्ड्रन के, सम कितना है 1, और किसके इक्वल है, 3 चिल्ड्रन के, तो यह आ जाएगा 1/3, ठीक है। और इसने कहा 6 साल बाद वो उसके डबल हो जाएगा, 6 साल सबसे पहले लिखते हैं, 6 साल बाद वो हो जाएगा उसके डबल, किसके,
वन बाय थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि संतोष का वही है एज का। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इजी बनाते हैं, हम रेशो को कैसे बनाते हैं, जो भी इधर दिया ना उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री इसके साथ आ जाएगा और यहां पर थ्री इसके साथ आ जाएगा, तो थ्री फोर जाए ट्वेल्व और यह आ जाएगा वन, ठीक है। अब यह आ जाएगा सिक्स और यह आ जाएगा वन, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं। रेशो सिंपल हो गई ना हमारे पास, ठीक है। इस वाली रेशो को ऊपर वाली रेशो को आप भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना है। अगर इधर होता रेशो फोर बाय थ्री इधर होता तो थ्री उधर चला जाता, तब आपकी रेशो हो जाती फोर रेशो थ्री, और टू बाय थ्री होता इधर और उधर वन होता तो थ्री उधर चला जाता मल्टीप्लाई में। रेशो को बस ऐसे ही करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए अब रेशो हमारे पास बन गई है 12 रेशो वन और 6 रेशो वन, ये छह साल बाद की। सबसे पहले डिफरेंस यहां पर 5 का है, यहां पर कितने का, 11 का है, तो यहां पर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर 11 से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 60, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 66 और यह आ जाएगा 11। अब डिफरेंस देखें यहां पर कितने है, यहां पर डिफरेंस है 1 यूनिट, और वन यूनिट किसके इक्वल है, 6 के, और किसकी एज पूछी है उसने, परसेंटेज, तो परसेंटेज का रेशो तो ये दे रखा था ना हमारे पास, ये तो ऊपर वाला, ये तो हमारे 6 साल बाद वाला था, ठीक है। अब परसेंटेज पूछी है, 1 6 के इक्वल है, नहीं यहां पर डिफरेंस है 6 का, सॉरी फ्रेंड देखिए यहां पर डिफरेंस 6 का है, यहां पर डिफरेंस 6 का है, तो 6 यूनिट 6 के इक्वल है, 1 यूनिट 1 के इक्वल आ जाएगी। अब एज पूछी है फादर की, फादर तो ये है परसेंट वाला, और ये तो सम की एज उसके चिल्ड्रंस की है, तो ये आ जाएगी 60, 60 इंटू 1 ये आ जाएगा 60 आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चेक कीजिए एक बार, समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दे, देखिए इधर करके बता देता हूं थोड़ा सा। इसने कहा है कि फादर और सन है, उनकी एज है 4:1/3, ये तो समझ में आएगा 1/3 कैसे है, क्योंकि हमने चिल्ड्रन की सम एज माना था और 3 चिल्ड्रन है, अगर यहां पर दे देता 5 चिल्ड्रन तो 1/5 लिखते, और इधर है 2:1/3, ये है 6 ईयर आफ्टर। रेशो को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 12, इधर देखिए फिर 1, 12 और 1, और इधर आ जाएगा 3 2 6 और 1, इनका डिफरेंस 11 है, इसका डिफरेंस 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 65 आ गया और 66 11 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब 6 इसका डिफरेंस है, यहां पर देखिए कितना चला है 6 और ये भी 6 है, वन यूनिट वन के बोला जाएगी, परसेंटेज पूछिए फादर की, यह आ जाएगी 6, यह आ जाएगी 60, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए एक बार और देखिए वीडियो को, अगर समझ में नहीं आ रहा है और आई होप डाउट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब ये क्वेश्चन है, ए की जो एज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द बी, ठीक है, ए की जो एज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी, जैसे जैसे बोला ऐसे ऐसे करना है। सबसे पहले तो ए डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बी का क्यूब, ठीक है। अब इसने ए की वैल्यू दी है, ए की 3 है और बी की है 2, और इफ यदि ए 8/9 होगा तो बी क्या होगा, इसने ये पूछा है, ठीक है। ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, अब इसने कहा यदि इफ ए 8/9 है तो बी क्या होगा, हमसे बी की वैल्यू पूछी है, ये हमारे इसके बीच के रिलेशन दे दिए इसने, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए ए इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है तो कॉन्स्टेंट के अपॉन बी क्यूब, ये आ गया। अब ये बी क्यूब आ गया तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये आ जाएगा ए बी क्यूब इज इक्वल टू के, ठीक है, ये क्या आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आ गया, अब ए बी क्यूब इज इक्वल टू के आ गया, अब क्या करना है देखिए, यह आ जाएगा 3, बी की कितनी है 2 का क्यूब कितना होगा इज इक्वल टू के, यह आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू के, ठीक है। और यहां पर के की वैल्यू क्या है, यहां पर के की वैल्यू थी हमारे पास ए बी क्यूब, ठीक है। अब यह आ जाएगा 3 इंटू 8 और के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही ए बी क्यूब। अब ए बी क्यूब के की वैल्यू रख देंगे, यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, यदि
एट बाई नाइन इंटू बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखिए एट से तो एट कैंसिल आउट हो गया, ये नाइन की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू बी क्यूब और बी आ जाएगा हमारे पास किसका होता है क्यूब, ये होता है 3 का। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन समझिए एक बार, आपका आंसर आ जाएगा 3। अगर हमारे पास ए 8/9 है तो बी हमारे पास 3 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अभी बता देता हूं एक बार और, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। बी पूछा है इसने, क्वेश्चन को समझ में तो आएगा होगा, ए की एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, और ए अगर हमारे पास 3 है, बी 2 है, तो ए अगर 8/9 है तो बी क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया हुआ है ऐसे ही करना है, ये बी क्यूब हो जाएगा। अब ए बी क्यूब हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के बाई बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है तो के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, बी क्यूब ए बी क्यूब इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3, बी की दे रखी है 2 का क्यूब। ठीक है, इधर के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए बी क्यूब। ठीक है, ये के की वैल्यू है बी क्यूब। अब हमारे पास ए की वैल्यू है यहां पर 8/9 और बी हमारे पास कुछ है बी क्यूब कितना होगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा इससे कैंसिल आउट, यह आ जाएगा 27, यह आ जाएगा बी क्यूब और बी आ जाएगा 3, ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेना वीडियो को, अगर समझ में ना आए दो बार बता दिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन है।